तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे यूज करेंगे और ये है क्या। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लॉगिन से लेकर के सारा प्रोसेस एंड तक, जिससे कि आप सारा कुछ इस एप्लीकेशन के बारे में जान पाएंगे। एंड ये इंडियन एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है प्ले स्टोर पर एंड बहुत सारे लोगों ने इसे इंस्टॉल भी कर लिया। तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेरा नाम दिलशाद, आप देख रहे हैं टोटल लाइफ एल टेक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना एलिमेंट्स। जैसे आप सर्च करते हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा, ऑलरेडी मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लें। एंड उसके बाद ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्या करना है तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा डिटेल्स के साथ। सो जैसे आप ओपन करते हैं तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एलिमेंट्स इंडियन ऑन सुपर ऐप। तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन सेलेक्ट करना है। यानी कि लॉगिन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई से भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको आपका कंट्री क्या है तो आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री कोड डाल करके। जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं अपनी कंट्री का कोड, या तो आप डायरेक्टली जो कि नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंडिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो कि इंटर कर देना। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं जिससे कि हम यहाँ पे लॉगिन कर पाएँ। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें OTP सेंड किया गया है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जो नंबर आपको डालना है आपको उस नंबर पे एक मैसेज आएगा, यानी कि OTP सेंड की जाएगी। तो आपको उस नंबर के मैसेज बॉक्स में जाना है थोड़े टाइम बाद, 2 मिनट बाद, या उससे पहले भी आप देख सकते हैं। अगर आता है तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट जो कि वेरीफिकेशन कोड मिलेगा, तो आपको यहाँ पे इंटर करके कर देना। तो आप वेट करते हैं यहाँ पे। या तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे पहले से अकाउंट बना लिया है, आपका अकाउंट है, आप फिर से इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, नीचे वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, लॉगिन कर लेना है। या तो आप फ्यूचर्स में कभी भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं फिर से लॉगिन करें, तो आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे जाकर के लॉगिन कर सकते हैं आसानी से। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप OTP आपके नंबर पे आता है जो कि आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आप OTP एंटर करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम जो कि चूज़ कर लेना है। आपका फर्स्ट नेम क्या है तो आप यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे लास्ट नेम आप डालेंगे तो यहाँ पे आप लास्ट नेम डाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है, पासवर्ड आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाना, जो कि आप देख सकते हैं, योर पासवर्ड मस्ट कंटेन मेन 8 कैरेक्टर्स विथ एस लिस्ट 1 अल्फ़ाबेट एंड 1 नंबर। तो आपको यहाँ पे 8 कैरेक्टर का जो कि पासवर्ड बनाना है, आपको वर्ड एंड अल्फ़ाबेट दोनों यूज़ करने हैं। तो आप करेक्टर अल्फ़ाबेट एंड नंबर आपको दोनों यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड कुछ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिससे कि हमारा पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर हम डाल देते हैं, आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर पहले अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और उसके बाद कुछ हम यहाँ से सिंबल लगा देते हैं @ का। एंड यहाँ फिर से हम जो कि लगाएंगे कुछ नंबर, जिससे कि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। और यही इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे फिर से रिटाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपका पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं, तो ये सारा कुछ आप पता कर पाएंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, फिर से हम डाल देते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आप प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, बट यहाँ प्रोफाइल नहीं लगाने वाला, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि ट्राइंग टू रीकनेक्ट किस लिए आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है जैसे कि नेटवर्क का। तो आप यहाँ पे ट्राई करते रहें, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप लॉगिन भी कर पाएंगे। सो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लॉगिन हो चुका है मेरा। एंड यहाँ पे अगर आपको लॉगिन नहीं होता तो आपको करना क्या है, जो आप नंबर से यानी कि OTP मंगाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका है इस एप्लीकेशन पे, तो आपने जो पासवर्ड लगाया है उसको आपको याद रखना है। एंड अगर आपको लॉगिन नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ फील्ड बता रहा है, रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है, तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जो नीचे लॉगिन का ऑप्शन मैंने बताया था, आपको वहीं जाना है और रजिस्टर्ड जो कि आपका नंबर है उसको एंटर करना है, एंड पासवर्ड जो कि आपने बनाया है उसको एंटर करके आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा भी वैसा ही हुआ है। तो सिंपली आपको बता दूँ यहाँ पे ऑप्शन के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये इंडियन है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है मुझे, क्योंकि यह फाइनली लॉगिन भी हो चुका है और ये हम इसे यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हब, तो ये ऑप्शन होता है हब का, तो आप यहाँ पे देखेंगे हब पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे स्टोरी पिक और ओप इंडिया ट्रेंडिंग अस, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल के बारे में भी आपको सारा कुछ देखने को मिलता है, बॉलीवुड लाइफ शॉप, आप यहाँ पे साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको मैं न्यूज़ वगैरह जो कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं, और सोशल जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन ऑप्शन एंड चैट का भी है, तो आप सोशल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे फीड, तो यहाँ पे फीड का ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने फेसबुक यूज़ किया होगा फ्यूचर्स में कभी, या तो आप यूज़ कर रहे होंगे, अगर नहीं यूज़ कर रहे तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे ही फीड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ क्रिएट पोस्ट पे आप देखेंगे स्टार्ट पोस्टिंग एंड
ऐड फ्रेंड, तो फेसबुक के सेम टू सेम फेसबुक जैसा ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लस पे, प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पोस्ट लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाय, आपको फेसबुक के सेम टू सेम फेसबुक जैसा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देखेंगे। एंड यहाँ पे आप जो फर्स्ट कैमरा का ऑप्शन है नीचे, और दूसरा जो कि ऑप्शन है गैलरी से आप इमेज भी ले सकते हैं, और तीसरा अपना ऑप्शन जो कि होता है अपने जो कि फ्रेंड्स को टाइप कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको पब्लिश प्राइवेट, जो आप पोस्ट किसको किसको दिखाना चाहते हैं, फ्रेंड्स को या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके फ्रेंड्स को, या सिर्फ आप प्राइवेट करना चाहते हैं, ओनली वन एवरी वन, यानी कि पब्लिश कर देंगे, तो उसके बाद हम पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पोस्ट जो कि पब्लिश हो चुका है, जो कि मेरा जो कि मैंने इंटर किया था, और यहाँ पे जस्ट नाउ यहाँ पे हमारा पोस्ट भी कम्प्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे फेसबुक के जैसे आप देखेंगे जीरो लाइक, जीरो कमेंट एंड जीरो शेयर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी पोस्ट डाली और हमारा फ्रेंड्स भी कोई नहीं है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो कि यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, आप सर्च करना चाहते तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है आपको, और यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का नाम जो कि हो पूछ लेना है आपको, और यहाँ पे आप सर्च कर पाएंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्कवर, जो कि डिस्कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन होता है, यानी कि सॉरी एप्लीकेशन बोलना ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखेंगे डिस्कवर, आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेंगी, जो कि पोस्ट होंगी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी, जो जो यहाँ पे पोस्ट करने वाला तो आपको पोस्ट मिलेगी, और यहाँ पे लाइक ऐसे कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आप जो आपने जो पोस्ट किए, तो आपकी भी पोस्ट जब आपके फ्रेंड वगैरह हो जाएंगे तो आप उनको भी यानी कि शेयर कर पाएंगे और आपकी पोस्ट भी आ जाएगी। यहाँ देखेंगे युवराज सिंह, इंडियन जो कि क्रिकेटर हैं, और इन्होंने भी यहाँ पे पोस्ट किया है, 1575 लाइक्स हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, चैट, अगर आपको कोई फ्रेंड यहाँ पे बन जाता है, आप चैट करना चाहेंगे तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे हमारा कोई भी फ्रेंड नहीं है, आप सिंस माई फोन बुक, तो यहाँ पे आप सिंस माई फोन बुक क्लिक कर देंगे तो आपका जो कि फ्रेंड वगैरह यूज़ कर रहे हैं आपके, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, तो आप यहाँ से पता कर पाएंगे। अलाउ पे क्लिक कर देना, थोड़ा सा वेट करते हैं हम। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे कोई भी फ्रेंड जो कि कॉन्टैक्ट नंबर से ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पा रहा है, नहीं यूज़ कर रहा है, और फ्यूचर्स में कभी यूज़ करते हैं तो आप ये सेटिंग ऑन कर लीजिए, उसके बाद आपका जो कि न्यू कन्वर्सेशन में जो कि उनका नाम होगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे आप चैट कर पाएंगे। जैसे एलिमेंट्स में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट्स का जो कि यानी कि पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे प्राइवेट है, आप यहाँ पे मैसेज भेज नहीं सकते, बट यहाँ पे आपको मैसेज भेजा जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे द एलिमेंट्स टीम इनवाइट प्ले स्टोर लिंक, यहाँ पे आपको दिखेगा इस प्रकार से, और आईफोन का भी दिखेगा आपको। यहाँ पे डियर एलिमेंट्स यूजर, वी आर एक्साइटेड टू शेयर लॉन्च ऑफ द एलिमेंट सुपर ऐप विथ यू, यानी कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं जो कि आपके साथ एलिमेंट सुपर ऐप्स को शेयर कर रहे हैं, सारा कुछ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, और अलर्ट का ऑप्शन, तो आपको फेसबुक में नोटिफिकेशन मिलता रहा होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको अलर्ट, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, कि फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आएंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखाई देगा। एंड जो कि एक्टिविटीज़, तो ये होता है अगर आपकी यानी कि पोस्ट को कोई लाइक करता है, आपको जो कि कोई कमेंट्स करता है आपके पोस्ट पे, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आएगा, या तो आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम चल रही तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ में आ जाएगा आपको सिंपली। एंड यहाँ पे सेटिंग, तो सेटिंग मेन होता है, आपको पता होगा हर एप्लीकेशन पे जिसको आपको कंफर्म करना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे सेटिंग, तो यहाँ पे मैनेज माय एलिमेंट्स हैंडल, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे आपको एक यानी कि यूज़र नेम मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, और यहाँ पे आपको क्या होता है, यूज़र नेम मिल जाता है, तो आप कहीं पर भी जो कि शेयर कर सकते हैं उसको, और यहाँ पे देखेंगे, और अपना जो कि यहाँ पे जेंडर चूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली प्रोफाइल आप बना सकते हैं, और रिलेशनशिप आप यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है, या रिलेशनशिप में हैं अभी, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कंट्री भी लगा सकते हैं, होम टाउन, और अपने बारे में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे माई वर्क प्लेस जो आप काम करते हैं, सारा कुछ, माई एजुकेशन, आप किस क्लास में हैं, या क्या कर रहे हैं, आप एजुकेशन कर रहे हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो कि 18 प्लस होनी चाहिए, यहाँ पे आप प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे सॉरी ओनली यूजर्स बो द एज ऑफ कैन यू यूज, सॉरी देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 18 प्लस आपको एज रखना, तो यहाँ पे हम 18 प्लस रख लेते हैं, अदरवाइज आप ये एप्लीकेशन जो कि नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही प्रॉब्लम, जैसे कि ट्राइंग टू रिफ्रेश प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट 100% ये एप्लीकेशन चलने लगा। तो अकाउंट सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर हाइड करना चाहते हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, या तो आप अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिलीट माई एलिमेंट अकाउंट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद देखेंगे डिलीट मी फ्रॉम एलिमेंट्स, इस प्रकार से आ जाएगा, और ये सो है वांट टू डिलीट योर अकाउंट, तो आप यहाँ पे डिलीट मी फ्रॉम एलिमेंट्स कर देंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे और भी आप कुछ बता दूँ आपको मैं, प्राइवेसी सेटिंग, तो आप यहाँ प्राइवेसी सेटिंग पे जा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट प्राइवेसी सेटिंग वही है जैसे कि मैंने आपको पोस्ट में बताया कि आप
आप पब्लिश करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, ये सारा कुछ। और नोटिफिकेशन सेटिंग जैसे कि बताया, चैट मीडिया सेटिंग्स इन माय फोन बुक, मैंने बताया कि अगर आप कोई फोन बुक से के यूजर्स यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन तो सारा कुछ आ जाएगा। और सबसे मेन बात, आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं और लॉगआउट कर सकते हैं यहाँ पर लॉगआउट पर क्लिक करके। दिन तो मैंने सारा कुछ आपको बताया डिटेल्स के साथ, जिससे कि थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी मुझसे, बट मैंने सारा कुछ यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहा आपको कि सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट्स करिए, और वीडियोज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करिए, और बिल को ऑन करते टाइम ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।